So, hello guys, कैसे हो सब लोग? आ चुके हो बस और एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज गाइस आज हम करने वाले डिफरेंट कंट्रीज फूड चैलेंज। तू रेडी है? मैं रेडी हूँ ब्रो, क्योंकि गाइस ये चैलेंज रहने वाला है एकदम टफ, क्योंकि इसमें रहेगी चिट्ठी, अलग अलग कंट्रीज निकलेगे और उसके जो है फेवरेट फूड अपने को खाने हैं, ठीक है? ठीक है। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, एक होगा स्पिन द व्हील जिसमें सब प्राइजेस लिखे रहेंगे, मतलब कितने रुपए की चीज। ये स्पिन द व्हील हर बार मरवाता है यार मेरे भाई, वही तो एकदम ट्विस्ट है। तो ये जो स्पिन द व्हील होने वाला है उसमें से देखो प्राइजेस मतलब जो भी निकलेगे पैसे 50-100 में, और जो भी सबसे ज्यादा एंड में सबसे ज्यादा रुपए की चीजें खाएगा, मतलब मैंने खाई समझ 800 रुपए की चीज टोटल और तेरी हुई 700, तो मतलब महंगा खाना है सबसे महंगा, लेकिन स्पिन द व्हील में 50 आता 50 रुपीज का। देखो जितना तू महंगा वो चीज खा सकते हो उतना खा लेगा, ठीक है? तो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले जो है ये स्पिन द व्हील चिट्ठी निकालेंगे, देखते हैं जश कौन सी चिट्ठी निकालता है। तो आंखें बंद रहेगी, ठीक है? रुक जा, आंखें बंद रहेगी, मैं चिट्ठी इधर उधर उधर कर लेता हूँ। चल निकाल, कौन सी? एक गिर गई भाई, ऐसा मत। हाँ चल चल, ठीक है ना, ये एक भी गिरा नहीं दूंगा। ले 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 ले, सब ऑन है। और ये इसको आया है पाकिस्तान, नहीं मैं तो तेरा निकाला। हाँ मेरा, तू क्यों देख रहा है? ले, मैं नहीं देखता, बस गाइस मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। मैंने ये निकाल दिया। चलो गाइस रेडी, लेट्स सेट गो। इसको आया है नेपाल और मेरे को आया है इटली और नेपाल। तो मेरे को गाइस हम नेपाल का कुछ फूड खाना है। नेपाल का कुछ है, नेपाल का फेमस फूड है वो है मोमोज, ठीक है? तो देखो मोमोज ही खाने हैं और मेरे को इटली का जो है वो है पिज्जा। तो गाइस मेरे को जो है पिज्जा खाना है। सो यस लेट्स गो। अब स्पिन द व्हील होगा कि कौन कितने रुपए की चीज खाएगा, ठीक है? लेट्स गो। तो चलो गाइस यहाँ पर जो स्पिन द व्हील पहले किसका है? पहले स्टोन पेपर सीजर आ जा। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। और तेरे को आया है 50 रुपए। अब तेरे को 50 रुपए का मोमोज ढूंढना है। 50 रुपए का मोमोज कहाँ मिलेगा? छी यार, इतना कम यार। और अब मेरी स्पिन होगी, ठीक है? मेरे को वापस 50 से आना चाहिए गाइस। मेरी स्पिन दबी मेरा, क्योंकि पिज्जा है 100 तो आ जाए मिनिमम 400 रुपए। तो गाइस मैं पहले ही 400 रुपए का सबसे महंगा पिज्जा ले लूंगा और इसे गलत लीड में चला जाऊंगा स्टार्टिंग में। लेकिन भाई तेरे पास भी एक चांस है, 600 आ गया तो तू वापस से जीतेंगे, एंड तक पता चलेगा कौन जीता है। स्टार्टिंग चलते हैं इसमें, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग जो आ चुके हैं मोमोज में, जस्ट को चाहिए थे 50 रुपीज के मोमोज। नेपाल का जो मेन वो मोमोज, जैसी की अपनी बात हुई थी तो उसमें गाइस अभी अपने को मोमोज तो मिल गए, मोमोज की दुकान जो अभी गाइस पता नहीं क्या हालत में, थोड़ी बंद बिंद की हालत में। यहाँ पर जो सबसे सस्ता है वो है 89 रुपीज का मिक्स वेज खाना है, सिर्फ और सिर्फ 50। तो मैंने जो अंदर रिक्वेस्ट कर दिया कि 8 पीस मत दो मेरे को, सिर्फ 4 पीस दो बट 50 रुपए में दे दो, तो उन्होंने जो हाँ बोल दिया, पहले तो ना बोला बहुत बट फिर हाँ बोल दिया। ये हाफ पीस खा रहा है यार बेटा, साले कुत्तों की जिंदगी। हो गया ना बेटा मोमोज 50 रुपए मिल गया, तो गाइस जस्ट हो चुका 50 प्लस। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट जो है पिज्जा है, जो कि 400 सीधा मैं प्लस होने वाला हूँ, तो कोई सीन नहीं है। देखते हैं वो तो भाई जाके देखते हैं 400 रुपए का पिज्जा मिलता है तो 400 मिल ही जाएगा, देखते हैं। तो अभी आज मेरा मोमोज आ रहा है, चलो मोमोज का वेट करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कैसा है। लेट्स गो। तो गाइस ये रहे जस्ट के मोमोज, जो कि 4 पीस एकदम 50 रुपए। देखो गाइस कितने ज्यादा 4 पीस जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो मेरा पहला चैलेंज 50 प्लस हो चुका है, 50 प्लस। तो मैं भी इसको 100 रुपीज दे दूंगा। सो या 100 सॉरी 50। चलो गाइस आपके इधर कैसे मोमोज मिलते हैं? भाई नेपाल में अगर मोमोज मिलते हैं अच्छे तो कैसे मिलते हैं? ऐसे ही मिलते हैं कि नहीं बताओ। और यहाँ पर दो चटनी भी दी हमको, एक तो मेयोनीज है और एक शेजवान चटनी आई फील। यस अभी ये भी मैं खा के ट्राई करूंगा, वैसे ऑयली है बहुत तो थोड़ा संभाल के खाऊंगा मैं। A few moments later. तो गाइस अभी इसने जो है इसका 400 का ही बजट था, भाई इसने 475, बट मैं टोटल बिल देखूंगा और बिल में जो बिल आएगा लास्ट का उस पर डिपेंड है इसका कितना हुआ है, टैक्स GST वो सब देखूंगा मैं। 500 प्लस शॉर्ट शॉर्ट जाएगा और उसका जो 400 माइनस हो जाएगा, 450 प्लस है तो मेरा भी जो है 400 प्लस। तो मेरे को थोड़ा इतना टेंशन नहीं है, कितने का भी हो 300 प्लस हो तो भी मैं थोड़ा ऐसा हाँ चलेगा, कोई सीन नहीं भाई, कोई सीन नहीं भाई। चलो लगते हैं पिज्जा आएगा तो देखते हैं भाई।
गाइस पिज्जा जो आ चुका है अब गाइस हम लोग ये ऊपर ये कड़ी पत्ता क्यों दिया है वो थोड़े महंगे महंगे पिज्जा होते हैं वो होते हैं ऐसे तो चलो ये गाइस पिज्जा खाते हैं कितना लाल है मेरा जो है अभी बिल पिज्जा लाल है जब मेरा बिल आएगा तब पता चलेगा मैं कितने प्लस में हूँ और जस्ट तो 50 प्लस में तो चलते हैं बिल की तरफ देखेंगे तो गाइस बिल जो आ चुका है और टैक्स वगैरह आएगा जो हो चुका है चलो गाइस इसने क्या निकाला है मैं भी नहीं कर रहा हूँ गाइस मैं भी नहीं करूंगा गाइस देख लिया तेरा क्या है इंडिया बोलते जो भी इंडिया से अपने सपोर्टर है भाई ए ऐसा बोलते तो गाइस जो भी अपने इंडिया से सपोर्टर है कमेंट करो और जो भी पाकिस्तान से भी सपोर्ट करते हैं कमेंट डाउन करो और मेरे को इंडिया का कुछ स्पेशल खाना है इंडिया में तो बहुत स्पेशल चीज है पानी पूरी हो गई पानी पूरी फिर समोसा पानी पूरी समोसा वड़ा पाव डोसा भाई डोसा भी तो है नहीं डोसा भी है क्या बोला साउथ इंडिया इंडिया में कितना है भाई यस गाइस चलो लेके बिरयानी मिनिमम गाइस 200 तो आना पड़ेगा तो यस चलो स्पिन द व्हील ठीक है करेंगे जो स्टोन पेपर सीजर चल चल जीत के भी तू आ रहा है लेकिन चलो गाइस स्पिन हो रहा है दिखा 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 नहीं इसको ढूंढना पड़ेगा चेसो की कौन सी चीज आती है अब मेरा स्पिन दबी होगा गाइस चलो लेट्स सी बिरयानी के लिए 50 ना आ जाए बस मेरे को क्या परफेक्ट आया 200 परफेक्ट परफेक्ट आया बिरयानी आ जाएगी 200 रुपए की चलो चलो गाइस अब चलते हैं बिरयानी और इसका जो देखते हैं वो क्या खाएगा तो गाइस मेरे को जो है बिरयानी मिली सिर्फ और सिर्फ 220 रुपीस की नो टैक्सेस कोई टैक्स मिक्स नहीं लगा साले को बच गया यार ये कोई ना इसकी बिरयानी 180 और प्लस अब इसका पाकिस्तान हो गया अब चलते हैं भाई इंडिया की तरफ और मैं देखो भाई इंडिया में क्या मंगाया है इसको 600 में देखो इसमें क्या मंगाता देखते हैं गाइस इंडिया में क्या मंगाता 600 का चलो तो गाइस फाइनली जज भाई का है भाई मेरा इंडियन थाली थाली आ चुका है A few moments later. रोटी भी कोई कुछ तो अलग टाइप की फीना रोटी है बिरयानी कर आ चुकी लेकिन गाइस हमने जो है और एक्स्ट्रा बिरयानी मंगाई थी लेकिन मतलब कितना खाना है भाई कितना खाना है मैंने मेरे दोस्तों को बुला लिया है सब कुछ खाने पूरा कम्प्लीट करना है सो यस मतलब तू कहना क्या चाहता है तेरे सब दोस्तों को उठकर नहीं उठकर नहीं मतलब ऐसे बुलाया क्या हो ये तो बिरयानी है कुछ तो अलग है गाइस हैदराबादी बिरयानी हां हैदराबादी बिरयानी पाकिस्तान का उस जैसा कलर गाइस पाकिस्तान का तो पाकिस्तान वाला कलर भी है सो यस यही सब खाने की चीज है अब चलते हैं नेक्स्ट ये तो खा रही है अभी फिर अपना वो नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं कौन जीतेगा चलो देखते हैं कौन जीतेगा 600 वाली गलत चीज ले लिया अब मेरे को लास्ट में एक तगड़ी चीज आनी चाहिए तो ही मेरे मेरा कमबैक होगा वरना तो मैं हार जाऊंगा देखते हैं क्या मैं कमबैक कर पाऊंगा या फिर नहीं तो गाइस अब गाइस थाली हो चुकी है
और मेरा जो बिरयानी हो चुका है तो मेरा स्कोर है, मैं जो 432 प्लस पे और जश भाई 610 प्लस पे प्लस में तो अपन लीड में अभी फिलहाल के लिए। अब गाइस एंड का लास्ट के दो बचे हुए, अब देखते हैं किसको क्या आता है। जो कि एक बचा हुआ है यूएसए और एक है जापान। यूएसए और जापान क्या किसको आता है, लेकिन ये तो ठीक है। यूएसए चल बता तू कौन सा सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट स्पिन कर दिया यहाँ पर मैंने। गाइस लेट्स सी क्या आता है। नहीं क्या आया। पीटी गर्ल्स बॉल लाइक दिस 50 रुपया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर मैंने स्पिन क्या बता, तेरे को भी 50 मिल जाएगा। बर्गर 50 से मिल जाएगा। घोड़ा उड़ गया 600 वहां पर। तूने मेरे को क्यों दिया पहले स्पिन करने। भाई तुम जीते हो भाई, शॉर्ट शॉर्ट जो जीतते हैं वो स्पिन करता है पहले से ही। मेरे को जो 600 का बर्गर खाना है तो मैं 600 कितना चाहिए मेरे को, जैसे 52 माइनस हो गया बर्गर तो 550। और मैं तो गाइस देखो मेरी तो सुशी आएगी नहीं, 200 रुपए का बर्गर खाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा गाइस। यस तो गाइस ये 200 रुपए का भी बर्गर खाए तो भी ये जीतने ही वाला है। 600 का तो नहीं मिलेगा तो चलेगा, तुम्हें क्या पैसे बचेंगे। 200 रुपए का गाइस मैं जो बर्गर ऑर्डर करूंगा और बस फिर मैं जीत जाऊंगा। तो यस किसी की तरह मैं जो चैलेंज जीत चुका हूँ, लेकिन बर्गर आएगा उसके बाद, फिर उसके बाद अगर तो हारने वाले को क्या होगा। सब पहले बोला नहीं था, सब बोला नहीं था तुझे। एक भाई नहीं क्या? जो भी हारेगा मैं भी बोल देता हूँ उसको जो है उसको नेक्स्ट टाइम 24 आवर्स के लिए ट्रीट देनी पड़ेगी। 24 आवर्स जो वो बोलेगा। तो बोला ही नहीं था भाई, ऐसा नहीं भाई। तो हारेगा क्या होगा, अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में लोग बोले कि हाँ जश भाई करना पड़ेगा तो ही, और अगर नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। किसने बोला, गाइस कमेंट करो फटाक से। हां बट बोला ही था, लेकिन मैंने ऐसे सोच के रखा था, वो बोलना भूल गया इसके। झूठ बोल रहा है। यस गाइस अब चलते हैं बर्गर की तरफ, लेट्स गो। एट लास्ट बर्गर गाइस, और ये चैलेंज है 130 रुपीज का बर्गर और मैं जीत चुका हूँ वेज बू पर। देखा मेरे से चैलेंज नहीं करने का, देखो पता है लास्ट में आके जीत गया है, हार ही गया था। यस गाइस मैं बर्गर खा लिया इसने। हाँ चलो गाइस बर्गर किंग का हैट पहन के जश भाई पूरा मॉल घूमेंगे, देखते हैं ज्यादा अच्छा होगा। चलो कोई ना, अब जश भाई देर करो, चलो हंसेंगे। तो यस गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मतलब गाइज जश ने तो यार वो डेयर किया नहीं, वो बोला था करेगा बट किया नहीं, तो मैं अब उससे ट्रीट तो लेके रहूंगा ही पूरे 24 आवर्स। तो यस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नए वीडियो चैलेंजेस व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, लव यू गाइज, पीस आउट। Fight back.